हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम सभी लोग एम स्टॉक के अंदर अपना जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है इसको परमानेंटली कैसे क्लोज कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर आपको बता दूंगा कि एम स्टॉक का जो अकाउंट है आपका, वो आप सभी लोग घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ही बिल्कुल 2 मिनट के अंदर क्लोज कर पाएंगे। लेकिन अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसेस बताने से पहले जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए, चाहे एंजल वन के अंदर हो, चाहे अपस्टॉक के अंदर, जीरोधा के अंदर, ग्रो के अंदर, या फिर हम एम स्टॉक को ही ले लें, अगर इनको क्लोज करना है तो दोस्तों देखिए, जो भी आपका बैलेंस है वो जीरो में होना चाहिए। जैसे देखिए, मेरे अकाउंट के अंदर एम स्टॉक के अंदर अभी 10,121.92 रुपये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये अकाउंट क्लोज करना है तो इन सारे पैसे को विड्रॉ लगाना पड़ेगा वापस से अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों का जीरो बैलेंस का अकाउंट नहीं था, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज वाला, उनका बैलेंस यहाँ पे कुछ निगेटिव में होगा, ठीक है? तो वो लोग डाउट ना रखें, अगर कुछ भी पैसा यहाँ पे निगेटिव में रहता है, 150, 200, 500 रुपये, तो उतने पैसे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जैक्टली उतने पैसे यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ताकि आपका ना उनको लेना हो ना हो देना हो, यानी आपका एम स्टॉक से कोई भी यहाँ पे निगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करनी है। दूसरा, आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आकर चेक करना है कि क्या आपने यहाँ पे एम स्टॉक के अंदर कोई शेयर वगैरह खरीदा है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, ठीक है, या फिर कैश बैलेंस है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर कोई इक्विटी शेयर है तो उसको बेच दीजिए, उसका भी पैसा विड्रॉ लगा लीजिए। म्यूचुअल फंड है तो उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए किसी और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो पैसा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, निगेटिव में है तो ऐड कर दीजिए, अगर पॉजिटिव में है तो विड्रॉ लगा लीजिए, ठीक है? इतना काम आपको करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है अकाउंट क्लोज करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे आपके प्रोफाइल के पास जहाँ पे आपका नाम लिखा है वहीं पे पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, और आप लोगों को इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे आपकी तमाम पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यही पर्सनल डिटेल के पास आप लोगों को सबसे ऊपर एक सेगमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेगमेंट के ऑप्शन पे आपको जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोग किसी भी साइट के अंदर, जो भी क्रोम वगैरह आपके पास है, उसके अंदर एक नया पेज ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए, सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए बेसिकली ये पेज होता है। अगर आपका FNO वगैरह के अंदर सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेगमेंट के अंदर सेगमेंट ओपन करना है, वापस से एक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन नीचे ही देखिए, अकाउंट क्लोजर का भी ऑप्शन यहीं पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लोज माय अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, क्लोज माय अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो नीचे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, बिफोर यू प्रोसीड फर्दर कैन वी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विथ आवर कस्टमर एक्सपीरियंस टीम सो वी कैन सॉल्व योर कंसर्न एंड अवॉइड अकाउंट क्लोज। तो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा परेशानी है टेक्निकल, तो आप लोग हमारे कस्टमर केयर को प्लीज़ कॉल करके या फिर चैट करके आप लोग बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपको क्लोज ही करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP डालते ही आपका अकाउंट हो गया क्लोज। आप लोगों को अब तक आप मैक्सिमम वेट कर लीजिएगा एंड वर्किंग डेज रहना चाहिए, सैटरडे संडे ना रहे, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्किंग डे रहना चाहिए एंड आपका जो अकाउंट है वो क्लोज यहाँ पे हो जाएगा और आप लोग एम स्टॉक के अंदर परमानेंटली लॉग इन यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस तरह से आप सभी लोग एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट अगर क्लोज करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन भी अंदर ही दिया गया है। बाकी और वीडियोज के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।